अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा फैशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा गार्निशिंग वाला कीमा। ये बहुत मज़े का यम्मी और चटपटा बनता है। ये मैंने आपके लिए जो लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ कीमा है 1 kg। आप चाहें तो बारीक ले लें, आप चाहें तो मोटा ले लें, आपके ऊपर है। हाथ का कीमा लेना चाहें तो वो ले लें। ये दही है मेरे पास 1/2 kg, और ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 1/2 kg है, और 3 अदद प्याज ली है मैंने। मसालों में मैंने लिए हैं 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 चमचा चाय का, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 चमचा चाय का, नमक भी मैंने 1 चमचा चाय का लिया है। ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 teaspoon चाट मसाला, और तकरीबन ये 1/4 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला है। गार्निशिंग के लिए मैंने लिए हैं चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर के अंदर का गूदा मैंने निकाल के अपने कीमे वाले मिक्सर में मैंने डाला है। अंदर सिर्फ हमें ऊपर की स्किन ले लेनी है इस तरह से, और इसको चॉप बारीक करके मैंने इसको स्क्वायर में करके रख लिया है। 3 से 4 मैंने ग्रीन चिली ली है गार्निशिंग के लिए, और लच्छेदार गोल प्याज ली है 2 अदद। प्याज अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो गार्निशिंग के लिए आप ले सकते हैं। और 1/2 lemon है, ये मेरे पास बड़ा लेमन है, ये आप देख सकते हैं बड़ा लेमन है। अगर आपने छोटा लेमन यूज़ करना है तो वो पूरा एक ले लीजिएगा। और अब मैं अपनी प्रिपरेशन आपको दिखाती हूँ। मिक्स मैंने ये दही ली है, दही में मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, ये अपने मसाले जो मेरे थे ड्राई वो सारे डाल रही हूँ, गरम मसाला और चाट मसाला भी मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूंगी। ये सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब सिंपल मुझे ये करना है कि अपने कीमे के अंदर ये सारा मसाला गरम करके मैंने इसमें 3 अपनी मीडियम साइज की प्याज डाल दी है। चलो अब ये व्यूअर्स हमारी प्याज जो है वो भून गई है, लाल हो गई है। अब मैं इसमें अपना ये मसाला मैरिनेट किया हुआ जो है ये कीमा डाल रही हूँ। हमने नॉर्मल तरीके से इसको प्याज को लाल किया था, उसके बाद ये अपना मैरिनेट किया हुआ सारा मसाला लगा हुआ जो कीमा है वो डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर आपने भून लेना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने टमाटर डाल के भूनना है इसको। ये बहुत मज़े का और चटपटा सा कीमा हमारा तैयार हो गया। ये मैं इसको 2-3 मिनट मैंने भून लिया है, और अब मैं इसको ढक के चढ़ा दूंगी ताकि इसकी प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और ये इसका पानी दही का निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर
आप प्याज अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टमाटर और प्याज थोड़ी सी सौते हो जाएगी, हल्की सी गल जाएगी। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं रख के पका रही हूँ, फिर मैं आपको इसको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ।